हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आदिल सिद्दीकी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसका नाम है प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। तो गाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ऑलरेडी यहां चार्ट ओपन है निफ्टी 50 का। एंड सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये अभी जो कैंडल्स है ये 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर है। एंड अब हम लोग इसको देखने वाले हैं स्विंग ट्रेडर के नजरिए से, कि मतलब ये डेली ऐसा क्या कर रहा है। और साथ ही साथ हम लोग अब ये भी देखेंगे कि FII और DII डेटा क्या कह रहा है। तो स्विंग ट्रेडर के हिसाब से इतने दिनों से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देख सकता हूँ, और प्रॉपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है अपसाइड। एंड डाउन साइड जो हम लोगों का सपोर्ट रहेगा अराउंड दिस लेवल है, ये लेवल हम लोग का पूरा सपोर्ट जोन है। एंड अगर ये लेवल को ब्रेक करता है 1 डे के टाइम फ्रेम चला, दोबारा यहाँ रिटेस्ट करता है, तो गाइस डेफिनेटली फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल की वेट करेंगे इसको ब्रेक करने में। रिटेस्ट को जहाँ ब्रेक करेगा फिर ये न्यू लो दे सकता है 1 डे के टाइम फ्रेम में। और ये जो हम लोगों का सपोर्ट जोन है देख सकते हैं गाइस, ये हम लोगों का ये एक्चुअली सपोर्ट जोन है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। एंड सपोर्ट जोन को भी ब्रेक करा और रिटेस्ट के लिए इधर आया, तो फिर रिटेस्ट को ब्रेकआउट करा, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ बाय पोजीशन पे जाएंगे एंड न्यू हाई के लिए वेट करेंगे गाइस। तो अभी तो मार्केट बहुत दिनों से इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से गिरा है, फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया, फिर अपसाइड, फिर थोड़ा इधर कॉन्सोलिडेट करा, फिर इधर यहाँ रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सपोर्ट भी लिया, फिर इधर आया रेसिस्टेंस लिया, फिर इसी लेवल पे आ रहा है। तो ये तो वैसे हम लोग की बात हो गई 1 डे के टाइम फ्रेम में। अब हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कि डेली इसके अंदर क्या हो रहा है और कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे एंड फिर इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये हम लोग का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और देख सकते हैं कल का हाई और लो, ये कल का हाई था ये जोन एंड ये कल का लो था, गैप डाउन ओपन हुआ, और ये डेफिनेटली ये हम लोगों का रेसिस्टेंस जोन हो गया जो था कल का लो, एंड पूरा गैप डाउन ही हुआ। फिर उसके बाद 5 मिनट की कैंडल, इस 15 मिनट की देख सकते हैं यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ थोड़ा कॉन्सोलिडेट करा, फिर उसके बाद इधर नीचे ही गया है, और नीचे इसने इस लेवल पे अराउंड इसने अपना सपोर्ट भी लिया है, एंड ऊपर से फिर नीचे आने की कोशिश है। लेकिन नीचे जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऐसा वर्क करेगा। एंड साथ ही साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कल के लेवल्स एग्जैक्टली क्या होने चाहिए जिसके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हम लोग का चार्ट है गाइस, एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों ने ओपन भी कर दिया है निफ्टी 50 का चार्ट है। अब इसके अंदर हम लोग दो लेवल सबसे पहले बनाएंगे गाइस, सपोर्ट जोन एंड दूसरा जो है हम लोगों का रेसिस्टेंस। तो ये लेवल हम लोगों का सपोर्ट हो गया है, ये लेवल हम लोगों का रेसिस्टेंस हो गया है। तो जो भी है इसी जोन के अंदर अगर कल ओपन होता है ट्रेड करता है तो मार्केट पूरा साइडवेज रहेगा। पहली चीज तो ये, थर्सडे को कुछ दिनों से मार्केट साइडवेज ही रह रहा है, और सेकंड चीज ये ब्रेक रिटेस्ट अप, और इसके अंदर भी ब्रेक रिटेस्ट डाउन, एक तो ये चीज है। एंड सेकंड चीज अब हम लोग देख लेंगे लेवल्स क्या होने चाहिए, एक तो ये है, और अगर इसने ब्रेक करके रिटेस्ट करा और ब्रेक करके अपसाइड जाएगा तो हम लोगों का जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो हम लोगों का अराउंड दिस जोन रहेगा फर्स्ट टारगेट हम लोगों का, ये रहेगा
सेकंड टारगेट हम लोगों का ये रहेगा, वो भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ गाइस, परेशान मत होइए आप लोग। एंड जो हम लोगों का थर्ड टारगेट रहेगा कल के लिए, जो हम लोगों का थर्ड टारगेट रहने वाला है वो ये रहेगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रेसिस्टेंस भी ऐसा वर्क करेगा। तो साथ ही साथ गाइस मैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए टारगेट भी लिख दे रहा हूँ, तो साथ ही साथ गाइस मैं अब आप लोगों के लिए टारगेट भी यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक क्या टारगेट होना चाहिए, तो ये आपका सपोर्ट है 17531 अराउंड, या फिर 17523 25 आप लोग उसको कह सकते हैं। लिख दे रहा हूँ मैं सपोर्ट जो है आपका 17525, सपोर्ट जो है गाइस आपका 17525। रही बात अब रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस जो है 17593, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया 17593। अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है डेफिनेटली अपसाइड का बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, और कल के चांसेस ज्यादा है अपसाइड ही जाए, क्योंकि नीचे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड टारगेट वन जो है वो हम लोगों का रहेगा 17636 TG1, 17636। टारगेट टू जो हम लोग का गाइस रहेगा 17666, 17TG2, 17666। टारगेट थ्री रहेगा 17699, 699 या 688 आप लोग रखिए। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। एंड अब हम लोग बात करते हैं, सॉरी निफ्टी के लेवल्स है, एंड अब हम लोग साथ साथ बात करते हैं बैंक निफ्टी के भी। तो ये ग्लिच है, वो आप लोग वीडियो में देख के गाइस ड्रॉ करना चाहे या लिखना चाहे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे एंड इसको भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट ऐसे ही कर रहा है, एंड इसको हम लोग जूम इन करेंगे। इसके अंदर भी सेम वही सिनेरियो ही बन रहा होगा, क्योंकि काफी दिनों से वैसे ही बन रहा है। तो सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग की ट्रेंड लाइन है, और ये हम लोगों का सपोर्ट जोन है। तो वही ये काम कर रहे हैं, जब जब ट्रेंड लाइन को टच करा, मतलब इसने रेसिस्टेंस को टच करा नीचे, फिर यहाँ टच करा, फिर यहाँ नीचे, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस को टच करा, फिर इधर नीचे, और इस बार नीचे सपोर्ट को लिया है, फिर यहाँ रेसिस्टेंस को टच करा। तो अब तक इसी चैन के अंदर काम कर रहा है, और ये हमें ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी चाहिए, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ तक जाने की कोशिश
कोशिश करेगा ये अराउंड दिस लेवल, या फिर और अगर इसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर न्यू हाई हम लोगों को दिख सकता है, न्यू हाई हम लोगों को दिख सकता है। तो देख सकते हैं स्विंग ट्रेडर जो है वो इसी तरह काम करेंगे। स्विंग ट्रेडर जो है वो इसका ब्रेकआउट होने का करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और देख सकते हैं जहाँ ये सपोर्ट ब्रेक करेगा फिर यहाँ रिटेस्ट का वेट करेंगे, फिर यहाँ आप लोग होल्ड कर सकते हैं। एंड डाउन साइड भी अगर इसने इस लेवल को करा और रिटेस्ट, तो फिर न्यू लो देखने को मिल सकता है। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है और कल के क्या लेवल्स रह सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर। और आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये वीडियोस काफी पसंद आ रहे होंगे मेरे, जो मैं इस तरीके से डालता हूँ टेक्निकल एनालिसिस या फिर आप लोग कह सकते हैं प्री मार्केट एनालिसिस के। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और डेली आप लोग को इसी तरीके के वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं गैप डाउन ओपन हुआ, 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल, इसका ब्रेक हुआ, यहाँ रिटेस्ट करा, रिटेस्ट के बाद यहाँ डाउन, फिर हायर लो, फिर डाउन, फिर चैन में आया, फिर डाउन, और यहाँ इसने सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली दिस लेवल, और जो रेसिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इसी लेवल पे इसने रेसिस्टेंस भी लिया है। तो अभी जो मार्केट है ये पूरा रेसिस्टेंस जोन के अंदर है, तो इसको आप नो ट्रेडिंग जोन भी कह सकते हैं गाइस। और साथ ही साथ हम लोग अब बात कर लेते हैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी देख लेते हैं ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर के नजरिए से कि मतलब कल का मार्केट क्या होना चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग है बैंक निफ्टी के अंदर क्लोजिंग हुई है 3,9,968 अराउंड। एंड इसके अंदर हम लोग देखते हैं सपोर्ट जोन क्या है, तो ये जो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों का सपोर्ट है। एंड रही बात रेसिस्टेंस की, तो ये जोन हम लोगों का ऐसा रेसिस्टेंस वर्क करेगा, और इसी चैनल के अंदर अगर कल पूरा मार्केट मूव करता है तो समझ लो नो ट्रेडिंग जोन है, कल कोई भी ट्रेड नहीं लेना है फिलहाल के लिए ऐसा ऑप्शन। भाई अगर ऑप्शन सेलर है आप लोग तो फिर आप लोग डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि प्रीमियम डिके ही होना है, और कल प्रीमियम डिके वाला डे भी है। पिछले कुछ टाइम से थर्सडे को प्रीमियम डिके ही ज़्यादा हो रहा है, कोई ज़्यादा अच्छा मूव देखने को हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर है एंड देखते हैं कल क्या होता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है या गैप अप होता है, तो सबसे पहले चीज़ को लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ रिटेस्ट करने का हम लोग वेट करेंगे, फिर तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं न्यू हाई। एंड ब्रेक करता है तो फिर यह थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर यह नीचे डाउन की तरफ ये जा सकता है, पहली चीज तो ये। अब जो हम लोग के गाइस से टारगेट होने चाहिए, क्या टारगेट इसके अंदर क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट टारगेट तो हम लोगों का जो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट है वो ये लेवल पर रहेगा, सेकेंड टारगेट हम लोगों का अराउंड दिस लेवल, जो थर्ड टारगेट है वो हम लोगों का अराउंड दिस लेवल रहेगा, ये टारगेट 3 हो जाएगा। एंड 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 एक और अच्छी चीज इसके अंदर जो हो सकती है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक अच्छी चीज ये भी हो सकती है इसके अंदर कि अगर इसने ये लेवल को ब्रेक किया, मतलब गैप अप ओपनिंग होते साथ ही, तो फिर हम लोगों का न्यू हाई हम लोग
देख सकते हैं इसके अंदर। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए लिख भी दे रहा हूँ कि सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है इसके अंदर। सपोर्ट अराउंड दिस लेवल है 3998 99, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा 3998 99। रेसिस्टेंस जो है आपका 4013, 4013 टारगेट बन रहेगा 4025 55। टारगेट 3 रहेगा 4033, टारगेट 2 रहेगा 4033 एंड टारगेट 3 रहेगा 422 एंड फिर उसके बाद टारगेट 4 भी आज देना है क्योंकि कल थर्सडे वाला दिन है और एक्सपायरी है। टारगेट 4 4052, तो ये हम लोग के कल के टारगेट हो सकते हैं। और टारगेट 4 4052 एंड आई होप गाइस आप सभी लोगों को मेरा ये एनालिसिस अच्छा ही लगा होगा। तो फिर ज़्यादा ज़्यादा हिट लाइक बटन एंड शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए एंड मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि गाइस, गुड नाइट।